नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून को लेकर के सड़क से सदन तक संग्राम जारी है और किसानों ने राजधानी दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है, तो फिर वहीं विपक्ष सदन के अंदर सरकार को घेरेबंदी करने में लगा है। इस घेरेबंदी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के बाद लोकसभा में कृषि कानून पर अपनी बात को रखा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं, लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए निकालते हैं तो फिर आंदोलन की पवित्रता को वो नष्ट कर देते हैं। आंदोलनजीवी देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को ऐसे आंदोलनजीवियों की पहचान करना जरूरी है। पीएम ने नए कानूनों को वैकल्पिक भी बताया और ये भी कहा कि नए कानून किसी के लिए बंधन नहीं है, जहां ऑप्शन है वहां विरोध का कारण नहीं बनता। पीएम ने विपक्ष को भी इस दौरान आड़े हाथ लेते हुए कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बताया। किसान आंदोलन को लेकर सदन में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यह भी हम आपको सुनाएंगे, और उसके बाद बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस बीच आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। तो बड़ी जानकारी है, 12 फरवरी से आंदोलन तेज करने वाला है संयुक्त किसान मोर्चा, और 12 फरवरी से राजस्थान के टोल फ्री करवाए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये जानकारी दी गई है। 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए रेल भी रोकी जाएगी। 16 फरवरी को छोटूराम की जयंती पर एकजुटता दिखाई जाएगी और 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। 12 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को और तेज करने वाला है। टोल फ्री राजस्थान के अंदर अब जितने भी टोल हैं वो करवाए जाएंगे 12 फरवरी से। 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए रेल रोको कार्यक्रम होगा और 16 फरवरी को छोटू राम की जयंती पर एकजुटता भी किसान आंदोलन के माध्यम से दिखाई जाएगी। 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 फरवरी से आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा तेज करने वाला है। 12 फरवरी से राजस्थान के टोल भी फ्री होंगे, संयुक्त किसान मोर्चा ने यह बात भी कही, और 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए रेल रोको कार्यक्रम भी संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। तो वहीं आंदोलन को लेकर के प्रधानमंत्री ने आज सदन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब तथ्यों के आधार पर बात टिकती नहीं है तो ऐसा होता है जो अभी देखा, आशंकाओं को हवा दी जाती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलन जीवी पैदा करते हैं। किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है, लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? इस देश में टोल प्लाजा, इस देश में टोल प्लाजा, इस देश में टोल प्लाजा सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है, और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है, और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है, और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने करीब 6 दशकों तक शासन किया उसका यह हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का धड़ा एक तरफ चलता है और लोकसभा का धड़ा अलग चलता है।
एपीएमसी एक्ट बदल लिया है, इस बात को कौन गर्व से कह रहा था? 24 ऐसे बाजार बन चुके हैं, इसका गौरव कौन कर रहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान शरद पवार जी गर्व की बात कर रहे हैं, ये उनका कोर्ट में कह रहा हूं। अब आज एकदम से उल्टी बात कर रहे हैं और इसलिए शक होता है कि आखिरकार आप किसानों को भ्रमित करने के लिए रास्ता क्यों चुना है, जहां इनकी सरकारें हैं अलग अलग जो सामने बैठे हुए मित्रों की, उन्होंने भी कम अधिक मात्रा में इस कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म करने का प्रयास किया भी है। और हम तो वो हैं जिन्होंने 1500 कानून खत्म किए थे। हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, हम रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते हैं। और इसलिए, और भोजपुरी में तो एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव खेल बे बिगाड़ब, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। तो प्रधानमंत्री की इन बातों को आपने सुन लिया, लेकिन आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आज के अहम सवाल उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने जिस बात को कहा, क्या विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि पीएम के आंदोलन को पवित्र कहने के आखिर क्या मायने। तीसरा सवाल यह है कि शांतिपूर्ण आंदोलन में तोड़फोड़ और टोल पर कब्जा करना आखिर कहां तक तर्कसंगत है। चौथा सवाल यह है कि जब वैकल्पिक कृषि कानून है तो नुकसान का डर आखिर किसानों को क्यों है, और रेल रोकने से ट्रैक पर बात आ जाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आज इन्हीं बड़े सवालों के साथ आज की चर्चा हम लोग करने वाले हैं और तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। महिमा सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। स्वामी इंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ दिन में इनेलो के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वामी इंद्र जी आपसे ही मैं चर्चा की आज शुरुआत करता हूं। आज प्रधानमंत्री ने जिन बातों को कहा, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक तो वो ये कह रहे थे कि आंदोलन जीवियों से बचना है, आंदोलन पवित्र है, इस बात को प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कहा। और दूसरा ये कह रहे थे कि जब वैकल्पिक व्यवस्था है तो डर किस बात का है किसान को, पुरानी व्यवस्था तो आपके पास मौजूद है। स्वामी इंद्र जी थोड़ा समझाएं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये दोनों ही विरोधाभासक बातें हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ये जो है परजीवी है, आंदोलन जीवी है। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये पवित्र आंदोलन है। जब ये पवित्र आंदोलन ने मान ही लिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का फर्ज बनता है कि आंदोलन के बीच में आए, ना कि दूरियां बनाए। आज प्रधानमंत्री ने दूरी बना रखी है, आज जो देश में दूरी नजर आ रही किसान और सरकार के बीच में, वो सरकार के द्वारा बनाई गई है, न किसानों द्वारा। किसान आज देश की दहलीज पे, दिल्ली के दरवाजे पे बैठा हुआ है। सरकार को चाहिए किसान से वार्ता करे ताकि जो टैक्स ब्लॉक जो बन चुका है इसको खत्म किया जाए। चलिए स्वामी इंद्र जी मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा, मुझे लग रहा कुछ समस्या है। प्रवीण अत्रे जी आप समझाएं थोड़ा मायने, एक तरफ तो पवित्र भी है, दूसरा आंदोलन जीवी भी है। और महत्वपूर्ण ये बात भी है, जब प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे थे तो उन्होंने इस बात को भी कहा कि भाई बचने की जरूरत है ऐसे लोगों से, ये मायने क्या है थोड़ा समझाते चलिए। क्योंकि कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर पवित्र कह रहे हैं तो फिर आंदोलन के बीच में उनको जाना चाहिए, ये बात यहाँ पे किसान नेता ने कही अभी। आयुष देखिए ऐसा है, आज देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाकायदा सदन के अंदर ये पूरी तरह से स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो आंदोलनकारी किसान हैं उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन किसान भाइयों को आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवियों से बच के रहना चाहिए। और मैं स्वामी इंद्र को भी बता देता हूं कि आंदोलन जीवी कौन है, परजीवी कौन है। परजीवी वो लोग हैं जो इस आंदोलन के नाम पे किसान भाइयों के कंधे का उपयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो लोग जिन चीजों का जिन मुद्दों का किसान भाइयों से कोई संबंध नहीं है उन मुद्दों या उन चीजों के ऊपर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए आयुष, पंजाब के अंदर किसी कंपनी के हजारों मोबाइल टावर तोड़ दिए जाते हैं किसान आंदोलन के नाम पे। आप समझ सकते हैं कि किसान भाइयों का मोबाइल टावर से क्या लेना देना।
किसान भाइयों की आंदोलन की मांग का मोबाइल टावर से क्या लेना देना, उसके बावजूद मोबाइल टावर तोड़े जाते हैं, टोल बैरियर जो है उनको तोड़ा जाता है, टोल बैरियर्स पे कब्जा किया जाता है, किसान आंदोलनकारी जो है, जो किसान भाई आंदोलनरत है, उनका तो टोल बैरियर से कोई लेना देना नहीं है, वो टोल क्यों तोड़ेंगे। लेकिन जो ये आंदोलन जीवी है, जो ये परजीवी है, जो किसान भाइयों के कंधे पे रख के अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं, वो इस तरह की अराजकता फैला के इस आंदोलन की पवित्रता को खत्म कर रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। देखिए, ये बात भी प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि ये जो तीन कानून हैं, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, ये एक ऑप्शन है। जो पुरानी व्यवस्था, जिस व्यवस्था पे किसान भाई अपनी खेती कर रहे हैं, जो मंडी व्यवस्था पहले से चल रही है, जो MSP पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, वो तो एज इट इज है। लेकिन सरकार ने किसान भाइयों को इन तीन कानूनों के जरिए एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक नया ऑप्शन और दे दिया। मर्जी किसान भाइयों की है, चाहे तो वो पहली व्यवस्था के अनुसार अपनी खेती करे और चाहे तो वो इस नई व्यवस्था को अडॉप्ट करे, तो वो इन कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उदाहरण के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, देखिए चाहे तो कोई किसान भाई किसी भी कंपनी या किसी व्यापारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके खेती कर सकता है और चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे, जैसे वो कर रहा है वैसे वो कर सकता है। और जिस तरह से किसान भाई जो मंडियां चल रही हैं, या तो वहां जाके अपनी फसल बेच ले और चाहे तो वो अपनी फसल देश में किसी भी व्यापारी को सीधा बेच ले, ये उसकी इच्छा पे निर्भर करता है। वो बाध्य नहीं है इस बात के लिए कि आपको देश में कहीं किसी व्यापारी को ही बेचना है, आप मंडी में जाके नहीं बेच सकते, इस बात के लिए तो बाध्य नहीं है वो। और ना ही वो इस बात के लिए बाध्य है कि भाई आपको तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, इस बात के लिए भी बाध्य नहीं है। तो बड़ा सीधा सा है, सरकार ने पुरानी व्यवस्था के साथ किसान भाइयों को एक नई व्यवस्था और दी है और ये किसान भाइयों ने तय करना है कि वो पुरानी व्यवस्था के अनुसार खेती करते हैं या वो नई व्यवस्था को अडॉप्ट करते हैं। ये बड़ा पूरी तरह से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में भी स्पष्ट कर दिया। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे आयुष, देखिए जिस वक्त इस विषय पे सदन में चर्चा हो रही थी, राज्यसभा के अंदर मैं सुन रहा था कृषि मंत्री जी ने बाकायदा ये बात वहां कही कि लगातार एक बात कही जा रही है कि साहब ये कृषि काले कानून है, ये काले कानून है। मैं किसान संगठन के नेताओं से 11 दौर की वार्ता कर चुका हूं, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया कि इन कानूनों में काला क्या है। तो आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, कृपया आप ही बता दीजिए इन कानूनों में काला क्या है। लेकिन ये नेता, ये विपक्षी पार्टियों के नेता जो किसानों के कंधे का उपयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, सदन में इनमें से कोई एक भी उठ के ये नहीं बता पाया कि इन कृषि कानूनों में काला क्या है। यहां से पता लगता है कि किस तरह से राजनीति हो रही है। किसान और खेती के नाम पे ये लोग अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनकी राजनीतिक जमीन खुस चुकी है, छिन चुकी है, जो इनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है, उसको ढूंढने की ये कोशिश कर रहे हैं। महिमा जी, आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी तो कंफ्यूज पार्टी है, क्योंकि लोकसभा में कुछ है, राज्यसभा में उनका स्टैंड कुछ और है, क्या मायने समझे जाएं। और प्रधानमंत्री जो आज बात कह रहे थे, इशारा आप लोगों की भी तरफ था कि इस्तेमाल हो रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही कहीं ना कहीं इस्तेमाल किसानों का। आयुष जी, कंफ्यूजन तो एक्चुअली मुझे लगता है इस सरकार को है कि ये किसी लोकतंत्र को चला रहे हैं कि किसी तानाशाही को चला रहे हैं। लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही कैसे चलाई जाती है वो इस सरकार से कोई भी सीख सकता है। देखने वाली बात ये है कि लोकतांत्रिक सूचकांक है ग्लोबल रैंक, उसमें 2014 में भारत की जो रैंक थी वो 27 थी, जबकि 2020 तक वो गिरते गिरते 53 पर आ चुकी है। यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं, डेमोक्रेसी ग्लोबल इंडेक्स की, लोकतांत्रिक सूचकांक जो है। अब ये बात आ जाती है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वहां कुछ और कह रहे हैं, यहाँ कुछ और कह रहे हैं, या विपक्ष के पास कोई तथ्य नहीं है। विपक्ष को बोलने की आप बोलने का अवसर ही कहाँ दे रहे हैं। विपक्ष जब बोलने लगता है तो आप बोलने लगते हैं कि ये रणनीति के तहत ये प्लानिंग किया गया है, नीतिगत भाषणबाजी, नीतिगत नारेबाजी हो रही है। सोची समझी साजिश यदि देश के खिलाफ किसी ने की है आयुष जी, तो वो इस सरकार ने की है। चोर रास्ते से लाकर के अध्यादेश और इस तरह से बिल बना लिए
उस पर वोटिंग नहीं होने दी, उस पर कोई बात नहीं होने दी। आज जब विपक्ष यहाँ पर ये बात उठा रहा है तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष तो नीतिगत तरीके से वार कर रहा है सरकार पर, रोटियां सेक। पहले दिन से आज तक हम यही बातें सुनते हुए आ रहे हैं, वही बातें आज फिर दोहराई जा रही हैं। मतलब अपने अहंकार की रक्षा कर रहे हैं, चीन से देश की रक्षा करनी चाहिए थी पर अपने अहंकार की रक्षा कर रहे हैं। अपनी गर्दन न झुक जाए, किसानों के सामने झुकने से वो छोटे ना हो जाए, उनका कद छोटा ना हो जाए, बस इसी बात से अपना बचाव करने में लगे हुए हैं। एक भी बार उनके भाषण में, उनके आंसुओं में क्या मरे हुए किसानों का, शहीद किसानों का मर्म किसी को नजर आया? जो किसान रो दिए, जो किसानों के नेता रो दिए, वो तो नाटकबाजी, लेकिन जो वो रो दिए वो मर्म, यानी कि आपके आंसू आंसू हैं और किसानों के नेता, किसानों के आंसू कुछ भी नहीं है। किसानों का न सिर्फ जिक्र ना आया बल्कि उन्हें परजीवी बोल दिया गया, और वो सारी तमाम बातें जो फिर मैं दोहराकर यहाँ पर वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ। अजी आप ये देखिए कि उनके जो मंत्री हैं वो तो खुद ये बात मान रहे हैं कि हमने जो है लाइन क्रॉस ज्यादा बार की है चीन के मुकाबले, ये सारी बातें क्यों नहीं बोलते? और ऊपर से जो बात करते हैं प्रधानमंत्री, आज के भाषण का जो उदाहरण है जिसमें उन्होंने बोला है कि बिना मांगे ये पहले भी कानून लाए गए हैं, दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून लाया गया, बाल विवाह के जो खिलाफ कानून लाया गया, वो कहने लगे कि ये बिना मांगे लाया गया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी और राजा राममोहन रॉय क्या यहाँ पर अपना वक्त जाया कर रहे थे? वो क्या मांग रहे थे? मैं दरख्वास्त करती हूँ इस मंच के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी से कि वो इतिहास का थोड़ा सा ज्ञान ले लें और ये जान लें कि बड़े बड़े आंदोलन हुए थे तब ये कानून लाए गए थे जिनके माध्यम से आज बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं पर रोक लग पाई है, काफी हद तक उन्हें नियंत्रित किया जा सका है। लेकिन किसानों के लिए ये जो क्या कानून अध्यादेश के चोर रास्ते से लाए गए, जबकि दोनों सदन सेशन में नहीं हो तब ऐसा किया जाता है, जब कोई इमरजेंसी हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें कोई ना कोई कानून लाना आवश्यक है, उसके बिना जो है जनता का नुकसान हो सकता है। लेकिन कोरोना काल में जब सभी लोग अपने घरों में बैठे हुए थे और उनके हाथों में थालियां चम्मच पकड़ा दिए थे इस सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने, उस समय पर चोर रास्ते से ये अध्यादेश लाकर के देश के खिलाफ साजिश किसने की है? इस सरकार ने की है। आयुष जी, ठीक है, इसका जवाब प्रवीण अत्रे से मैं ले लूंगा। ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेहलो की तरफ से। ओंकार जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। ओंकार जी, प्रधानमंत्री की बात को आज आपने भी सुना होगा, कैसे देख रहे हैं और प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को? जी आयुष जी, बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिटायरमेंट होने के ऊपर उनके उनके लिए आंसू बहाए, लेकिन 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं उनके बारे में इन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, सबसे पहले मेरे भाई प्रवीण अत्रे जी कह रहे थे कि ये किसानों के कंधे का यूज कर रही हैं, ये इनको ये दिन भूल गए 2012 और 2013 जब इनके जो मेन नेता थे सुषमा स्वराज जी थी और धनखड़ जी थे, ये आधे नंगे धनखड़ जी आधे नंगे हो पर ये कह रहे थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। आधे जबरदस्ती किसान आंदोलन को कुचलना चाहते थे और इन्होंने कुप्रयास भी किया। 26 जनवरी की इन्होंने वीडियो कहीं ना कहीं इन्होंने प्रायोजित की, एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं जा सकता वहां पे, अगर जितनी इनकी सिक्योरिटी होती है वहां, इन्होंने खुद वहां से बैरिकेड्स हटाए और कुछ आंदोलनकारियों को उनकी फोटो भी आ चुकी है, जो फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ है, गृह मंत्री जी के साथ है, सनी देओल के साथ है। इनको ये सोचना चाहिए, ये कोशिश इन्होंने करी कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाए, लेकिन ये फेल हो गए उस कोशिश में। अब प्रधानमंत्री जी घड़ियाली आंसू तो बहा रहे हैं लेकिन उनके मुंह से एक बार भी शहीद किसानों के बारे में नहीं निकला। मैं इनसे सिर्फ इतनी बात पूछना चाहूंगा कि आप इस आंदोलन को किसान आंदोलन मानते हैं या नहीं, ये तो बता दीजिए। आप इनको कह रहे हैं आंदोलन जीवी, बहुत अफसोस की बात है, लाखों करोड़ों किसान इससे इफेक्टेड है, आप आंदोलन जीवी बात कर रहे हैं। अगर ये आंदोलन जीवी है तो आप कौन हो? आप भी जुमला जीवी हो, आप झूठ जीवी हो, ईवीएम जीवी हो, आपने कितना लोगों को बेवकूफ बना रखा है। इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं किसानों के कंधे का प्रयोग विपक्ष कर रहा है, तो आप जब सत्ता में नहीं थे, जब आप आंदोलन करते थे तब वो क्या था? ताकि तब वो आंदोलन था, आज आंदोलन नहीं है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, किसान की जायज मांग है,
किसान कहता है तीनों काले कसून वापिस ले लो, अगर कहते हो काले नहीं पॉइंट टू पॉइंट मेरे से डिस्कस करो और बिल्कुल स्टेज के ऊपर डिस्कस करो, मैं बताऊंगा कौन कौन सी पॉइंट उसमें काले हैं। और दूसरा किसान ये कहता है कि एमएसपी का कानून लाया जाए, ये कहते हैं एमएसपी था एमएसपी है एमएसपी रहेगा, तो कानून क्यों नहीं बना देते। फिर मेरे भाई प्रवीण अत्री जी कहते हैं पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। इसका मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, बीएसएनएल सरकारी कंपनी थी, जियो जब आई तो जियो ने बहुत कुछ फ्री कर दिया, उस वक्त जियो ने टोटल अपना चार्ज ही फ्री। चलिए ओंकार जी से हमारा संपर्क टूट गया, मैं दोबारा से ओंकार जी का रुख करूंगा। स्वामी इंद्र जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, वैकल्पिक व्यवस्था की प्रधानमंत्री ने बात कही, और अगर वैकल्पिक व्यवस्था है तो फिर दूसरी व्यवस्था उसके पैरेलल तो है जो पुरानी चल रही है, विरोध क्यों है इस बात का? स्वामी इंद्र, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, ये काले कानून है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ, जब ये सरकार ने किसानों को एग्रीमेंट के साथ जोड़ा कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत भारत का किसान जो है दूसरे दर्जे का नागरिक बन जाएगा, क्योंकि उसको कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं होगी। और सरकार जो अपना पल्ला झाड़ रही है कि हमने किसानों को वैकल्पिक जो है तरीका दिया है आगे बढ़ने का, नहीं, तो स्वामी इंद्र जी ना करें ना किसान, किसान ना करें, मरने का यही तो कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री कि बाध्य नहीं कर रहा है ना ये जबरदस्ती। स्वामी इंद्र जी, ऐसा तो नहीं है, अगर आप किसान नहीं कर रहे हैं या मैं खेती कर रहा हूँ, ये जरूरी तो नहीं है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूँ जा करके। एक एक करके बात कर लेते स्वामी इंद्र जी, एक एक करके बात कर लेते हैं। जब मुझे नहीं, स्वामी इंद्र जी देखिए थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात, पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। स्वामी इंद्र जी मुझे बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो बाध्य कर रही है, बाध्यता कौन कर रहा है, बाध्य कौन कर रहा है? आप समझ सकते हैं कि किसान जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने एक जो है बिल्कुल एक कमजोर स्थिति में होंगे, और जो है कंपनियां जो है किसान की कमजोरी का फायदा उठाएंगी। दूसरी बात ये है जो आप देख ही रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कारण आज आम उपभोक्ता जो इस देश के अंदर ही सुरक्षित समझता था कि मेरे जो खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित है, पर आने वाले समय में ये काले कानून बन गए हैं जहाँ इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हमारे खाद्य पदार्थ सुरक्षित थे, काला बाजारी जो इसको स्टोर अधिक नहीं कर सकता था, आज उसकी लिमिट खत्म कर दी गई। वो कितनी भी लिमिट करते जो खाद्य पदार्थ का जो है संरक्षण कर सकता है, और उसके ऊपर ये बाधा भी नहीं है कि वो उस पदार्थ को इकट्ठा करने के बाद ये खाद्य पदार्थ पता करने के बाद उसको बेचना जरूरी है, वो अपनी मन मर्जी से अपनी मन मर्जी भावे को दे सकता है। ये तमाम बातें हैं जो आज हमारे साथ सामने चलकर आई है जब से ये कानून लागू हुए हैं, और अब तक जो बाजार में जो अंतर आया है उस अंतर को अभी तक सरकार ने दर्शाया नहीं कि 40 रुपए किलो कैसे आलू बिक गया, 80 रुपए किलो कैसे प्याज बिक गया, 200 रुपए लीटर कैसे सरसों का तेल बिक गया। अगर वो बिका है और जिस कंपनी ने बेचा है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है सरकार ने, ये आज तक जो है एक प्रश्न चिन्ह है। प्रवीण अत्रे जी अब जवाब दीजिए। देखिए आयुष, ऐसा है तीनों साथियों ने काफी सवाल पूछे हैं और मैं तीनों का जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा जल्दी में दे दूं, लेकिन सबसे सार्थक सवाल केवल स्वामी इंद्र ने पूछा है जो इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी के बारे में कहा है, मैं सबसे अंत में उसका जवाब दूंगा। लेकिन पहले मैं कांग्रेस वाली बहन जी से शुरू करता हूं। देखिए अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज सदन में कहा था कि यदि आप तथ्यों पे ना टिको तो या तो आप चर्चा से भाग जाओ या आप कुतर्क करने लगो, और वही काम यहाँ पे बहन जी ने किया। बहन जी बार बार कह रही है कि देखिए आप चोर रस्ते से कानून ले आए, चोर रस्ते से कानून ले आए। हालांकि बहन जी वकील हैं और बेहतर जानती हैं कि अगर लोकसभा से कोई भी कानून संविधान की मर्यादा अनुसार पास नहीं हुआ तो आप कोर्ट जा सकती हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके लिए है, वो उसकी व्याख्या कर सकता है, ये बहन जी भी जानती हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बार बार एक झूठ बोले जाना, जबकि कानून पहले तो कहा ऑर्डिनेंस आप कोरोना काल में ले आए, अरे बहन जी इसीलिए तो ऑर्डिनेंस आया, कोरोना काल था, सब कुछ बंद था, हर गतिविधि बंद थी, लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी था, लेकिन किसान भाइयों की तरक्की हमारी प्राथमिकता है, किसान भाइयों का उत्थान हमारी प्राथमिकता है, इसीलिए ऑर्डिनेंस। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, अरे भाई अंकार जी आपका भी जवाब देता हूँ, सुन लीजिए पहले आप। अब दूसरी बात जो है बहन जी ने कही थी, देखिए ऐसा है कि समझदार बनी है, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, आपका टाइम आएगा बोल लीजिएगा खुल के। अब सुन लीजिए थोड़ा सा, बहन जी ये कहती है कि देखिए सरकार जो है सरकार लोकतंत्र में आ रही है, अरे इनका चुप करवा दो भाई आयुष, इनको चुप करवा दो यार। उनका जी सुन लीजिए, देखिए आप बोल रहे थे किसी ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया,
इसलिए चर्चा में थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें, एक दूसरे लोग की बात को काउंटर कर लें बाद में। देखिए बहन जी ने ये तर्क दिया कि साहब आप तो तानाशाही कर रहे हैं, आप लोकतंत्र नहीं चला रहे हैं। बहन जी आप अगर ये बात कहेंगी तो जनता सुन के हंस रही होगी। 1975 जनता आज तक नहीं भूली, इमरजेंसी आज तक नहीं भूली, जिस तरह से आपने लोकतंत्र का गला घोटा था, कम से कम तर्क सही कीजिए। अब ये एनआईए के प्रवक्ता देखिए, अरे रुकिए भाई, अरे भाई चुप करो यार, अरे मुझे समझ नहीं आता ओंकार भाई, आपका ही जवाब दे रहा हूँ, लेकिन चुप होकर सुन लो। आपके समय कोई नहीं चिल्लाया था, आप यहाँ पे एक तर्क दे रहे थे अभी कि देखिए जो 26 जनवरी की घटना हुई वो बीजेपी ने प्रायोजित की, उस व्यक्ति की फोटो है, इस तरह का तर्क मुझे समझाइए। जब 16 जनवरी को, अरे सुन लीजिए पहले भाई, आप सुन लीजिए बिल्कुल, जब 16 जनवरी को दीप सिद्धू को एनआईए ने नोटिस भेजा था तो विधवा विलाप किसने शुरू किया था? रणदीप सुरजेवाला ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि देखिए पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले किसान के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सबसे ज्यादा विधवा विलाप करने वाले कांग्रेस तो उनको, अरे भाई इनको चुप करवाओ यार, इनको चुप करवाओ भाई, नहीं ओंकार जी, ओंकार जी ऐसे नहीं, देखिए काउंटर सवाल करते रहेंगे तो फिर आपके भी सवाल नहीं हो पाते ना ओंकार जी, जो इतने सारे सवाल आपने पूछे वो आप इसीलिए पूछ पाए क्योंकि प्रवीण जी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब आपने सवाल पूछा तो सुनिए, अब बीच में काउंटर करते रहेंगे तो जवाब नहीं आएगा, धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। विधवा विलाप करने वाले भी यही थे, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं, तो उनको वकीलों की सहायता भी कांग्रेस मुहैया करा रही है, उनकी रिहाई की मांग भी कांग्रेस और किसान संगठन के नेता कर रहे हैं, और उनको आप लीगल हेल्प दे रहे हैं। ये देखिए कांग्रेस का दोहरा चरित्र। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसको मैं सार्थक सवाल मानता हूं, वो पूछा था स्वामी इंद्र ने। स्वामी इंद्र ने कहा कि एसेंशियल कॉमोडिटी के अंदर बदलाव, स्वामी इंद्र 1955 में जब ये कानून बना था, हमारे देश की खाद्यान्न स्थिति ये थी कि अमेरिका से अनाज गेहूं आता था और उसको बकाया जा कहा जाता था शिप टू माउथ, मतलब उसका एक नाम दे रखा था कि जहाज में आएगा तभी हम खा पाएंगे। लेकिन आज हमारे देश के किसानों के पुरुषार्थ और मेहनत की बदौलत आज देश खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। लेकिन एक तथ्य को पाया स्वामी इंद्र, आप समझिए, हर साल हमारे देश के अंदर 67 मिलियन टन अनाज वेस्ट होता है स्वामी इंद्र, 67 मिलियन टन अनाज वेस्ट होता है, और उसकी कीमत मालूम है आपको कितनी है? $14 बिलियन, मतलब 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनाज खराब हो जाता है। 10 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है उस अनाज से स्वामी इंद्र जी। और आपको एक और तथ्य बता देता हूँ, जितना अनाज उत्पादन होता है उसका 40% हमारा देश में जाता है। क्यों होता है? सुनिए स्वामी इंद्र, सुनिए आप सुन लीजिए, आप चिल्लाइए मत बीच में, पहले पूरे बच्चे को सुन लीजिए, इनको चुप करा लीजिए, आयुष नहीं चाहेंगे स्वामी इंद्र भाई पूरी बात सुननी पड़ती है ओंकार जी, ऐसा नहीं होता है, अधूरा ज्ञान महा कल्याण होता है, इसलिए अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, ज्ञान पूरा ले लेना चाहिए, एक बार सुन लेते हैं उनके आंकड़े जरा खत्म तो हो भाई। स्वामी इंद्र थोड़ा शांत हो जाए और सुने, बात कंप्लीट होने दें, सेंटेंस तो कंप्लीट होने देना कम से कम। आपने जो बात बोलनी शुरू करी, अगर प्रवीण जी भी ऐसे बीच में आपको टोक दें तो आप भी नहीं बता पाएंगे कि आप क्या बताना चाह रहे थे, इसलिए सुने पहले कि अगला शख्स कह क्या रहा है। देखिए ऐसा है कि ये जो ये अनाज वेस्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया के कुल अनाज उत्पादन के बराबर हमारा गेहूं वेस्ट हो जाता है। अब होता क्यों है? इसकी कारण है स्टोरेज जो है, उस स्टोरेज जितना हमें चाहिए उतना स्टोरेज नहीं है, पूअर ट्रांसपोर्टेशन। सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपया आवंटित किया है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, लेकिन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी जरूरी है, जो चौधरी चरण सिंह जी भी कह के गए थे, चौधरी महेंद्र सिंह की कैसे मांग करते रहे थे, शरद पवार जी मांग करते रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते रहे, और जब सरकार ने प्राइवेट सेक्टर का विनिवेश कृषि में आए, किसान को उसका लाभ हो, इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो स्वामी इंद्र जैसे लोग अधूरी जानकारी लेके किसानों को भ्रमित करने लगे। अरे सब नए स्टोरेज बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे, उसका लाभ किसको होगा? किसानों को होगा, और वो तभी होगा जब उन लोगों को ये सुविधा हो। ठीक है चलिए, ठीक है ओंकार सिंह जी, ठीक है चलिए प्रवीण जी, अब ओंकार जी की बात को सुन लेते हैं, और ओंकार जी मुझे ये भी बताइएगा, चूंकि ये जो सवाल आपका अधूरा रह गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा ना वैकल्पिक व्यवस्था है, तो इतनी परेशानी क्यों है? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं अपने प्रवीण अपने भाई का जवाब देना चाहता हूँ, ये आंकड़ों के खेल में जनता को उलझाना चाहते हैं, आंकड़ों से किसी का पेट नहीं भरता। आज क्या व्यवस्था है, आज भारत और हरियाणा प्रदेश की क्या व्यवस्था है?
मैं आंकड़े ही बताऊंगा आपको, ये जब भी उलझ जाते हैं तब एक कांग्रेस को ऊपर ले जाते हैं, कांग्रेस ने किया। अरे भाई कांग्रेस अच्छा करती तो आपका शासन कौन लेके आता? जनता कांग्रेस से दुखी थी इसीलिए आपको मौका दिया। आप बात बात पे कांग्रेस की और हमने 75,000 करोड़ रुपया गेहूं पे खर्च किया, ये अच्छा किया ना किसान की जेब में गया। हमने अच्छा किया तो इनको बोलिए सुन लीजिए। प्रवीण अत्री जी आप सुनिए, प्रवीण अत्री जी अब आप सुनिए, प्रवीण अत्री जी आप सुनिए। आप आंकड़ों के खेल में बेवकूफ लोगों को बुला सकते हैं आप प्रवीण? ठीक है ओंकार जी कंप्लीट करें। आयुषी मेरी बात सुनो, ये कोई और बोलता है, कोई और बोलता है तो उसको कहते हैं ये गलत बोलता है। ये आंकड़ों के खेल में जनता को उलझाना चाहते हैं, ये इनके आंकड़े। ये भी तो बताएं आज बेरोजगारी किस स्टेज के ऊपर है, आज महंगाई किस स्टेज के ऊपर है, आज वर्ल्ड लैंग्वेज डेमोक्रेसी की बात करते तो भारत का नंबर कितना है, भारत में गरीबी की स्थिति कितनी है, ये तो कोई नहीं बताता। हाँ मैं आपके बात का जवाब दूंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था लागू रहेगी। जी जी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जब जियो आया नया नया और BSNL सरकारी कंपनी थी, जियो क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी, आज उसके टावर टूटे तो प्रधानमंत्री जी को बहुत दुख हुआ, उनको रोना भी आया और प्रवीण अत्री जी को भी दुख हुआ। लेकिन ओंकार जी ये जानकारी आप भी ले लीजिएगा, जो टावर तोड़े गए दरअसल वो जियो के थे नहीं ना, समस्या तो ये है। जियो तो कम का बेच चुका उनको, मेरी बात पूरी हो। नहीं बिल्कुल ओंकार जी बात कंप्लीट करें, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। जब जियो ने इंटरनेट शुरू किया, इसने इंटरनेट फ्री दिया, ठीक है, क्योंकि इन कंपनियों के पास बहुत कैपेसिटी है। इन्होंने BSNL को फेल करने के लिए पहले इंटरनेट फ्री दिया, आज देख लीजिए इंटरनेट 250 रुपए से लेके 2000 रुपए महीने है, और पूरे वर्ल्ड में महीने में साल में 12 महीने होते हैं। इन्होंने जियो वालों ने सबसे पहले 28 दिन का महीना कर दिया। आप खुद भी रिचार्ज कराते हो तो 28 दिन का रिचार्ज कराते हो, महीने का नहीं कराते, मतलब एक वर्ष में इन्होंने 13 महीने कर दिए। ये है प्राइवेट कंपनियों की चाल। आज अगर APMC मंडियों के बाहर ये करेंगे, APMC मंडियों के बाहर, क्योंकि टैक्स नहीं लागू, अगर टैक्स लागू है ठीक है तो वही हाल किसानों की होगी। लेकिन आज उसी जियो की जरूरत पड़ तो रही है सभी को, बात कर रहा हूँ, भले 28 दिन की हो लेकिन वो जियो तो चला रहे हैं ना लोग। लगेगा सरकार का, बाहर में टैक्स नहीं है, मार्केट के अंदर रहेंगे तो कंपटीशन में तो रहना पड़ेगा भाई। मेरी बात तो पूरी कर, मंडियों के अंदर टैक्स है, मंडियों के बाहर टैक्स नहीं है, तो कौन मंडी के अंदर खरीदारी करेगा? अगर इनके काले नहीं, यही तो गुमराह करने वाली बात है ना, यही तो गुमराह करने वाली बात है ना, ठीक है। और जियो से कंपैरिजन मंडी का नहीं हो सकता ना ओंकार जी, थोड़ा प्रैक्टिकल बात भी होनी चाहिए ना। आप एक नेट के डाटा से कंपैरिजन करेंगे मंडी का, नेट के डाटा से और एक टेलीकॉम कंपनी से आप कंपैरिजन करेंगे एक मंडियों का, ऐसा नहीं होता है। हर चीजें अलग अलग तरीके से फंक्शन करती हैं। BSNL क्यों खराब हुआ है उसकी फिर बहुत सारी तर्कों में और बहुत सारे तथ्यों में आपको जाना पड़ेगा, इसलिए एक एग्जांपल गढ़ करके आप परसेप्शन नहीं बना सकते ना कि ऐसा ही होगा। इस हिसाब से तो देश के अंदर फिर कभी कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि पहले से बना लेंगे ऐसा होगा तो ऐसा होगा। महिमा जी ठीक है, महिमा जी ठीक है, ओंकार जी देखिए समय मेरे पास कम है, मुझे सबको समय देना है। महिमा जी आयुषी एक मिनट बहुत जल्दी से खत्म करें ओंकार जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ किसान आंदोलन को किसान आंदोलन मानते भी है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ये जवाब ले लूंगा। महिमा जी जवाब दीजिएगा प्रवीण जी की बात का। कौन सी बात का जवाब, मुझे तो लगता है उन्होंने सारे जवाब ही दिए हैं, जवाबी कार्यवाही की है। कोई सवाल भी था तो दोहरा तो जवाब देना है महिमा जी, मैं सत्ता पक्ष में तो जवाब ही दूंगा, सवाल तो आप करेंगे। आप आयुष जी सवाल को दोहरा दें कृपया करके। नहीं नहीं उन्होंने वही राज्यसभा और लोकसभा का हवाला देते हुए कहा कि आपके ही जो तमाम बड़े नेता थे, चाहे शरद पवार का जिक्र हो चाहे मनमोहन सिंह जी का जिक्र हो, यही तो सुधार आप लोग लाना चाहते थे ना, और अब जब वो सुधार की ओर बढ़ रहे हैं तब आप लोग कह रहे हैं कि ये काले कानून है, ये गलत है, और अगर गलत भी है तो उसकी भी व्यवस्था बताइए। आप वकील हैं कि आप कोर्ट भी जा सकते हैं कि अगर ये गलत तरीके से लाए हैं तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। ये 2-3 सवाल प्रवीण जी ने उठाए थे, मैं चाहूंगा जवाब दे दें। देखिए ऐसा है आयुष जी कि आज जो सरकार की हालात हैं और उनके प्रतिनिधि भी उस बयाने हालात को कर रहे हैं, उसको सुन करके मुझे गोरख पांडे की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, और उनको यहाँ कह देना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं अपने अगले 2 बिंदु जो रखने जा रही हूँ वो रखूँ। वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? वे तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं।
ये सब कुछ सरकार के पास है। गौरव पांडे कह रहे हैं वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। इस बात का डर आज की इस सरकार को दिखाई दे रहा है। जो कुछ सर्वोच्च न्यायालय में कहा जाना चाहिए, जो कुछ जिस पटल पर कहा जाना चाहिए, मैं समझती हूँ सभी अथॉरिटीज अपना अपना काम बखूबी कर रही हैं। जैसे भाजपा के प्रतिनिधि को यहाँ पर बैठकर लगता है कि बाकी सबके हिस्से की समझ भी उन्हीं के खाते में आ गई है, ऐसे ही सरकार ये सरकार का रवैया है बिल्कुल, उनको भी ऐसा ही लगता है कि बाकी सबके सबसे ज्यादा देश का हित सिर्फ उन्हीं को दिखाई दे रहा है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मेजोरिटी वो है जिसने आपको वोट दिया, लेकिन आप सरकार और प्रधानमंत्री उनके भी हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। आज आप चुनी हुई सरकार हैं, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस में लेकर के चलना पड़ेगा सारी जनता को कि वो आपकी तरफ देखें। लेकिन सच्चाई क्या है आयुष जी, सच्चाई तो ये है कि पिछले 7 वर्षों में आंगनबाड़ी के जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या में 2 करोड़ की गिरावट आई है। ये बात करते हैं आंकड़ों की और झूठ से बरगलाने की, ये बात करते हैं बीच में बोलने की। आप पिछले डिबेट्स उठा करके देखिए, मैं तो समझती हूँ कि भाजपा के मौजूदा प्रतिनिधि जो इस डिबेट पर बैठे हुए हैं उन वो तो अपनी आदत से विवश हैं। पिछली बार हमें डिबेट अंत में इसी बात पर खत्म करनी पड़ी थी क्योंकि वो ये बता रहे थे कि कांग्रेस की प्रतिनिधि समय खराब करेगी। इसलिए देखिए सर, भ्रष्टाचारियों अपराधियों व भगोड़ों की संख्या में वृद्धि हुई है इस देश में, इस देश से बैंकरप्सी जितनी हुई है इस रिजीम। महिमा जी पॉइंट पर आ जाते हैं, मुझे लगता है क्योंकि आप ऐसी बात कहेंगे तो प्रवीण जी आपको बार बार डिस्टर्ब करते रहेंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि चर्चा का समय बर्बाद हो क्योंकि समय कम है। महिमा जी बताइए, मनमोहन सिंह जी ने भी इसी बात को कहा, शरद पवार जो कि आपके ही यूपीए गवर्नमेंट के अंदर कृषि मंत्री थे उन्होंने भी इस बात का हवाला दिया, इन्हीं सारी चीजों को आपने पंजाब के अंदर भी लागू किया, आज उसका विरोध क्यों है? ये पॉइंट है इसका क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। महिमा जी सुझाव तो ना ही दें कि हम क्या। महिमा जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? इस देश के हित में, राष्ट्र के निर्माण में महिमा जी सभी कदम अपनी समझ से जरूर उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। महिमा जी सुन रहे हैं आप, स्लोली ब्लीड करवा करके इस सरकार ने जिस तरह महिमा जी नीतिगत तरीके, महिमा जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रंजित करके खत्म कर दिया है, वो जग जाहिर है, वो प्रत्यक्ष है और उसका जवाब जनता इनसे ले लेगी और इनको देगी मुंह तोड़ जवाब। आप यहाँ जो मर्जी बोलते रहे, आप यहाँ जितने भी। चलिए प्रवीण अत्री जी को तकनीकी समस्या, महिमा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। ठीक है स्वामी इंद्र, मैं आपका रुक कर लेता हूँ। स्वामी इंद्र देखिए ये तो बताना पड़ेगा ना, वैकल्पिक व्यवस्था है, अगर कोई चीज आपको थोपी नहीं जा रही है और आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास ऑप्शन आपका पुराना वाला मौजूद है तो क्यों डर सता रहा है? आपने मुझसे पूछा नहीं, नहीं नहीं स्वामी इंद्र से मेरा सवाल है। महिमा जी मुझे लगता है अब तक शायद मेरी आवाज पहुंची नहीं, मैं स्वामी इंद्र से पूछ रहा हूँ। स्वामी इंद्र जवाब दें, आयु जी जिस प्रकार से सरकार हमसे कह रही है कि पुराना वाला ऑप्शन हमारे पास है, वो ऑप्शन नहीं है वास्तव में, वो डेट वारंट है किसानों के लिए। इससे सरकार को समझना चाहिए ये आंदोलन जो है ये पवित्र आंदोलन है, देश के लिए आंदोलन है। सरकार हर धर्मी क्यों बना रही है? अगर सरकार को ये कानून पीछे हटाने पड़ते हैं, इन्हें निरस्त करना पड़ता है, इससे किसानों को घाटा क्या? सरकार बताए, सिर्फ घाटा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों को जिनको हरियाणा प्रदेश के ही। अगर नहीं स्वामी इंद्र जी देखिए मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। स्वामी इंद्र जी देखिए ये बात जो आप मुझे बता रहे हैं ये मैं पिछले 3 महीने से मैं सुन रहा हूँ। स्वामी इंद्र मुझे बताइए, पुरानी व्यवस्था में आप खेती कर रहे थे, अनाज उगाते थे, आपको MSP सरकार देती थी, आप जाते थे मंडियों में बेच देते थे, आप जाते थे मंडियों में बेचते थे उसको। आप मुझे ये बताइए कि जब पुरानी व्यवस्था मौजूद है स्वामी इंद्र जब पुरानी व्यवस्था मौजूद है और नई व्यवस्था एक ऑप्शन के तौर पर आपको दी जा रही है तो उसमें क्या डर है, उसमें क्या खतरा है? स्वामी इंद्र मेरा सवाल सुने और उसका जवाब दें। स्वामी इंद्र मेरा सवाल सुने और उसका जवाब दें। मैं सिर्फ भाषण नहीं सुनूंगा आपकी बात को भी मैं पहुंचने नहीं दूंगा फिर। स्वामी इंद्र आप मेरा सवाल सुने और उसका जवाब दें। स्वामी इंद्र मेरा सवाल सुने और उसका जवाब दें। भाषणबाजी नहीं। पुरानी व्यवस्था अगर चल रही है वैसी ही तो क्या दिक्कत है? कौन बाध्य कर रहा है आपको कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को करना जरूरी है? नहीं करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा।
आपकी साउंड मेरे पास क्लियर नहीं आ रही सर। चलिए, मुझे लग रहा है तकनीकी की समस्या है, और ये मुझे लग रहा है शायद ऐसा तभी हो रहा है जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ये आप लोग शायद सवाल से बचना चाह रहे हो। महिमा जी, मेरा सवाल अधूरा रह गया था, मैं चाहूंगा उसका जवाब दे दें। मनमोहन सिंह जी ने भी यही बात कही, शरद पवार जी ने भी कही, जो कि आपकी सरकार के अंदर कृषि मंत्री थे, कि ऐसे ही सुधारों की आवश्यकता है। आज विरोध क्यों हो रहा है? आयुष जी, ऐसा है कि वाकई तकनीकी समस्या तो आज है, क्योंकि दो बार मेरा फोन कटा, मैंने सामने से वापस मिला करके जोड़ा अपने आपको, तो अब आपका सवाल जो है आपने फिर से दोहरा दिया है। लेकिन देखिए, ऐसा है, आज सरकार में सत्ता में कौन लोग बैठे हुए हैं, आप ही हमेशा मुझे ये सुझाव देते हैं कि जो बीत गई सो बात गई। महिमा जी, आज की बात कीजिए, आज जो बात हो रही है, आज बदला क्यों सदनों में, ये तो मैं सवाल पूछूंगा ना आपसे, सामने बैठे हुए हैं और जो चाहा कल को जो बीजेपी लेकर आई, अगर आप वही काम आप करने लग जाएंगे तो ये सवाल बीजेपी पार्टी से होगा कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं। समूह विशेष के लिए ये कानून लाए गए, उन्होंने ना ये मांगे थे, आज वो आंदोलन कर रहे हैं कि इन्हें वापस ले लिया जाए। आपने हमसे विमर्श किए बिना इन अध्यादेशों को बिलों में तब्दील कर लिया है। जब ये राष्ट्रपति के पास दस्तखत के लिए जा रहे थे, उस समय भी पर भी भरपूर आंदोलन हुआ था, उस सारी आवाज को भी अनसुना अनदेखा करते हुए उस पर दस्तखत कर दिए गए, उन्हीं हस्ताक्षर आज उन्हें कहा जा सकता है। और आप ये समझकर चलिए कि आज पिपली से जो रक्त रंजित होना शुरू हुआ था ये देश, कुरुक्षेत्र की पिपली से, वो आज दिल्ली में वो हो रहा है, 290 किसानों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री के भाषण में क्यों नहीं है जिक्र आयुष जी, उनमें से एक भी किसान का, उन खो चुकी जानों का, उन बच्चों का, उन माओं का जो वहां बैठे हुए हैं, उनका नाम क्यों नहीं है? वो कल कह रहे थे अपने भाषण में कि खुशहाली की खेती करें किसान जाकर के। अरे, आपने उन पर वाटर कैनन्स दाग दिए, उन पर आपने टियर गैस छोड़ दी, वो खुशहाली की खेती करेंगे जाकर के? आप ये याद रखिए कि ये जो आप कांटे और कीले बो रहे हैं दिन के रास्ते में, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन ये बातें दो महीने से हम लोग बराबर सुन रहे हैं ना, इसीलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करना चाह रहा हूँ। नेताओं की, हमारे नेता आज भी कुछ, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब मुझे मिल जाए। ठीक है, चलिए महिमा जी, ठीक है, ये बात सरकार नहीं समझ रही, सरकार काला कानून लेकर के आई, किसानों का हित नहीं सोच रही है, किसान शहीद हो गए उनके बारे में दो शब्द नहीं कह रही है, सरकार हठधर्मिता पर उतारू है, सरकार समझना नहीं चाहती कि आंदोलन किसानों का है, ये सारी बातें मैंने सुननी, दो महीने से मैं लगातार सुन रहा हूं इस बात को। लेकिन महिमा जी, ये बताना पड़ेगा अब इससे आगे निकल करके कि जिन चीजों को आप लोग सपोर्ट करते रहे, आज उसका विरोध करने क्यों बैठ गए? प्रवीण अत्रे जी, देखिए आयुष, ऐसा है, दो तीन बातें बहन जी ने कही, दोनों तीनों का मिला के जवाब दूंगा। एक तो बहन जी ने एक कवि की कविता पढ़ के ये कहा कि सरकार के पास गोला बारूद है जनता को डराने के लिए। देखिए, कांग्रेसियों की फितरत कहीं ना कहीं मुंह पे आ जाती है, वो हमें कहते हैं साहब आप सत्ता में हैं, बीती बात बिसार दे, जो सत्ता में बैठे वो, हम बिल्कुल कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है और हमने अपनी उस जिम्मेवारी को मानते हुए किसानों के लिए ये तीन कानून लेके आए। लेकिन बहन जी, जब आपकी सरकार थी, गोला बारूद आपके पास था, आपने कादमा के अंदर किसान भाइयों पे गोली चलाई, किसान मार दिए, लोनी बॉर्डर पे गोली चला के किसान मार दिए, असंत में गोली चला के किसान मार दिए, लेकिन ये वो सरकार है जो किसानों को अपना समझती है। आपने लाख कोशिश की कि 26 जनवरी पे दिल्ली की सड़कें रक्त रंजित हो जाएं, लेकिन इस सरकार ने किसान भाइयों पे किसी तरह की फोर्स का उपयोग नहीं किया, क्योंकि आपकी मंशा यही थी, आप चाहते यही थे। ठीक है, लेकिन प्रवीण जी, उन्होंने तो गोली चला के मारा, आपने किसानों की बात को अनसुना करके मार दिया। जी नहीं, मैं बता देता हूँ, देखिए साहब, ये कहते हैं किसानों की बात को अनसुना कर दिया, और ये अभी अपने किसान नेता भी कह रहे थे सरकार हठधर्मी कर रही है। आयुष, जो 11 दौर की वार्ता हुई, उस 11 दौर की वार्ता में सरकार ने क्या क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों ने, आपको याद होगा, बिजली का जो बिल आने वाला है उसके लिए मांग की थी, सरकार ने बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने की हां कर दी। सरकार ने पराली जलाने पे जो दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान था, सरकार ने कहा उसको खत्म कर देंगे। अरे सुन लो भाई, सुन लीजिए, सरकार ने कहा खत्म कर देंगे कृषि कानूनों में, सुनिए, अरे मांग तो थी ना ओंकार सिंह जी, नहीं 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 ओंकार सिंह जी ऐसे मत करिए भाई, ये मांग थी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जो लोग गए उन्होंने ये मांग रखी अंदर ले जा करके, अगर लाए नहीं तो मांगा क्यों आपने? फिर तो वही बात हो गई, जब ये लाए नहीं तो आप मांगने क्या गए थे उनसे? क्यों कहा आपने कि यह कानून मत लेकर के आइए? ओंकार जी, उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना सीखिए, विपक्ष में बैठे हैं तो कम से कम जो मांगे मानी गई वो सही बात बताइए। नहीं, एक सेकंड ओंकार जी, ओंकार जी ऐसे नहीं होता है, ये मांग थी, ये मांग थी और उसको माना भी। उन्होंने नहीं बोला वापस ले लिया, उन्होंने कहा कि उनकी मांग को मान लिया, आप ध्यान से सुने उन्होंने क्या कहा।
जब बिल आया ही नहीं तो वापस कैसे होगा? ये तो कॉमन सेंस है। अरे ओंकार जी, ये तो कॉमन सेंस है भाई। सरकार को जो वो कहना है कि मांग मान ली उन्होंने, ये मैं बोल रहा हूँ, जो सरकार को बार बार कह रहे हैं कि सरकार हरदर्मी कर रही है, मैं बता रहा हूँ कि सरकार ने क्या क्या माना। कृषि कानूनों में संशोधन की बात सरकार की, सरकार ने 1.5 साल तक ये कानूनों को लंबित रखेंगे, सरकार ने ये बात भी मान ली। इन तीनों कानूनों पे बिंदुवार समीक्षा करने के लिए सरकार तैयार हो गई। MSP पे लिखित गारंटी देने के लिए सरकार तैयार हो गई। अनुबंध खेती में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक मांग थी, मांग ये थी कि किसान को, अरे भाई इनको बंद कराओ, किसान को ऊपर अदालत में अपनी बात रखने का अधिकार हो, सरकार ने ये बात भी मान ली। तो जितनी बातें थी वार्ता में सरकार ने सारी मानी, और मंडियों के बीच में टैक्स वेरिएशन ना हो सरकार ने वो भी कहा कि टैक्स वेरिएशन खत्म कर देंगे। उसके बावजूद इस आंदोलन के लिए अड़े हुए हैं, तो हरदर्मी कौन कर रहा है? ठीक है, चलिए प्रवीण जी, अब आप किसी बात के साथ ये चर्चा मुझे यही समाप्त करनी होगी, समय नहीं है मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज भी एक वही बड़ा सवाल कि आखिर इसका हल कैसे निकलेगा, और आज प्रधानमंत्री की तरफ से जिन बातों को कहा गया है, क्या उसका असर आने वाले निकट भविष्य में इस आंदोलन में भी देखने को मिलेगा? आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।